बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस, गिल्ट और रिपेंटेंस के ऊपर। सो लेट अस सी। अगर तो सबसे पहले हमने देखना है कि कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड अप होता है। अगर हम अच्छाई के रास्ते पे चलते रहें तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बिल्ड अप हो जाता है। उसके लिए अलाइनमेंट चाहिए, यानी विद यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, लिविंग फेथ होना चाहिए, थका हुआ फेथ नहीं होना चाहिए, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। जिस तरह अगर आप किसी चीज में माहिर हैं तो उस फील्ड में आपका कॉन्फिडेंस खुद बहुत बढ़ जाएगा। सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ये भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसी तरह आपके अंदर इक्विनिमिटी ऑफ टेंपर या बैलेंस हो, मैच्योरिटी हो तो भी, वर्क एंजॉयबल हो तो भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, स्टेप्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। अब अगर हम कुरान पाक को देखें तो सूरह बकरा में आयत नंबर 177 में दिया गया है कि राइचियसनेस इज नॉट दैट यू टर्न योर फेसेस टू द ईस्ट एंड टू द वेस्ट, बट राइचियसनेस इज द वन हु बिलीव्स इन गॉड। यानी एक अच्छा इंसान बनने के लिए, नेक बनने के लिए सबसे पहले आपको खुदा पे यकीन होना चाहिए, आखिरत पे यकीन होना चाहिए, फरिश्तों पे होना चाहिए, सहीफों पे जो कुरानी कुरान है उसके ऊपर होना चाहिए, और जो इससे पहले जो सहीफे आए थे उनके ऊपर होना चाहिए, पैगंबरों के ऊपर होना चाहिए, और फिर इंसान अल्लाह की राह में खर्च करें अपने रिश्तेदारों के ऊपर, यतीमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मुसाफरों के ऊपर, और जो मांग रहे हों या बेकारी हों या गरीब हों, और गुलामों को आजाद करने के लिए, और ये कि आप इबादत करें, सदकात और खैरात दें, जो आपने वादे किए हों उनको निभाएं, और जब मुसीबत आए तो उस वक्त आप सब्र से काम लें, और जब बीमारी आए तब भी, और जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी। तो ये वाले वो लोग हैं जो राय रास्त पर हैं और जो मुत्तकी हैं। तो ये चीजें अगर बंदा अपनी जिंदगी में ले आए तो कॉन्फिडेंस उसका खुद बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मगर कई दफा ये होता है कि गिल्ट फीलिंग्स बहुत आ जाती हैं जिंदगी में। अब गिल्ट के मुतालिक दो चीजें ध्यान में रखें, एक तो होता है मॉडरेट गिल्ट और एक होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग गिल्ट, और एक होता है साइकोलॉजिकल गिल्ट जो पीछे ही नहीं छोड़ रहा होता। जो मॉडरेट गिल्ट है वो तो ठीक है, उससे आप अपने में अटोनमेंट पैदा करते हैं, अपने आप को अपनी इसलाह करने की कोशिश करते हैं, और कुछ सदकात और खैरात करते हैं, कुछ नेक काम करते हैं ताकि वो जो आपकी गिल्ट फीलिंग्स है वो खत्म हो जाए, और आप कुछ अच्छा काम करके जो आपने बुरा काम किया था उसका कोई सदबाब कर दें या उसके लिए कोई रास्ता निकाल लें। मगर कई दफा ये गिल्ट फीलिंग्स जो है वो पीछे ही नहीं छोड़ती आदमी को, और आदमी का कॉन्फिडेंस शैटर कर देती है। इस सिलसिले में प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर जो है उन्होंने अपनी किताब सफर आखिर शब में ये एक हदीस बयान की है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द प्रॉफिट सेड फ्रॉम अमंगस्ट यू नन ऑफ यू शुड से दैट हिज नफ्स इज डिटेस्टेबल। अपने ऊपर इतनी ज्यादा भी मुलामत ना करें और अपने आप को बहुत ही बुरा और घटिया ना समझे, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो फिर आप में जो है ना अपने आप को दोबारा संभालने की कुव्वत खत्म हो जाएगी। But you can say that your nafs is lethargic, it is not following orders as they should have been implemented. In other words, the Prophet is instructing us not to undermine our self-respect. Apni jo izzat hai, nafs hai, usko paamal na karein. For if we continue to condemn ourselves, then we start entertaining very strong guilt feelings. Kyunki agar hum apne malamat hi karte rahe sara waqt, to phir hum bahut strong guilt feelings ke गर्दाब में आ जाएंगे। सच गिल्ट फीलिंग स्टील अवे द पावर ऑफ रिजरेक्शन फ्रॉम अस, और इसके बाद हम फिर अपने आप को दोबारा खड़ा नहीं कर सकेंगे, यानी संभाल नहीं सकेंगे। तो फिर प्रोफेसर साहब मजीद कहते हैं, ऑब्सेशंस कम इन अवर वे इफ तौबा और रिपेंटेंस इंक्रीजेस योर गिल्ट। अगर तौबा आप कर रहे हैं और साथ ही आपकी गिल्ट फीलिंग्स इंक्रीज हो रही है, इफ द सेंस ऑफ शेम इंक्रीजेस एंड इफ द गिल्ट फीलिंग्स इंक्रीज देन तौबा इज यूजलेस। यानी ये तौबा और उसके साथ गिल्ट फीलिंग्स जो है साथ साथ होना ये दुरुस्त नहीं है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल डिजीज एंड इट टर्न्स इनटू एन ऑब्सेशन। नो वन कैन टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट, नीदर गॉड नॉर द प्रॉफिट नॉर एनी स्पिरिचुअल टीचर, बिकॉज यू योरसेल्फ फेल टू बिलीव इन योर रिपेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली यू रिपेंटेड मैकेनिकली, यू कमिटेड द सिन एंड डिराइव्ड प्लेयर, यू कंसिडर्ड योर लस्ट एन आइडल. Now you are not ready to believe in the God who is ready to forgive you.
तो इसमें चीज ये है कि इसको ऑब्सेशन ना बना लें, सारा वक्त उसके मतलब गिल्ट के मतलब ना सोचते रहें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप जो है कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेंगे और तौबा भी आपकी जो है वो रायगा जाएगी। Sin and repentance. If you believe in Allah and His Prophet, they are telling you that sin and repentance are not parallel movements. ये साथ साथ नहीं चल सकते. They are in fact counter movements. ये तो एक दूसरे की जिद है. Repentance should lead you to the state of mind in which you do not remember your state of sinfulness. When you committed a sin and resolved never to repeat it, then you decided not to do it again. जब आपने तौबा कर ली, तो बस आपने अब फैसला कर ली कि वो अमल आप नहीं करना, तो इसको अपने ज़हन से भी फरामोश कर दें, अपनी मेमोरी अपने हाफ़िज़े से भी निकाल दें। इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी देन दिस बिकम्स अ काउंटर मूवमेंट। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे अमल करेंगे तो फिर तो काउंटर मूवमेंट है, यानी तौबा और रिपेंटेंस और उसके साथ गिल्ट, यानी गिल्ट और तौबा जो है वो फिर एक दूसरे की जिद बन जाएंगे। बट इफ यू रिमेम्बर योर सिन एंड रिपेंट साइमल्टेनियसली, मगर अगर सारा वक्त आपको अपना सिन भी याद रहे और साथ ही रिपेंटेंस भी हो, देन इट बिकम्स अ पैरेलल मूवमेंट व्हिच इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल एंड इज टोटली अनप्रोडक्टिव। इफ सिन इज डार्कनेस, देन योर रिपेंटेंस इज अ मूवमेंट अवे फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट। थ्रू रिपेंटेंस यू हैव मेड अ चॉइस ऑफ मूविंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जब आपने तौबा कर ली तो ये आपने एक फैसला या अहद कर लिया कि अब आप अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ जा रहे हैं। Rejoice that you are in light and the darkness of sin has departed from you. Being non-confidence also puts one in this dilemma of guilt versus repentance. जब आप ये guilt और repentance के dilemma में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर आपका confidence shatter हो जाता है। अच्छा, कई क्राइम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से गिल्ट ऐसा ज्यादा है कि इंसान जो है वो बेबस हो जाता है, फिर उसकी रिपेंटेंस भी कबूल नहीं होती। जिस तरह मैकबेथ ने डंकन को मारा और उसके बाद फिर वो डिनायल मोड पे चला गया, और इस हद तक वो डिनायल मोड पे चला गया कि वो कहने लगा कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, कि जिंदगी जो है ये तो बस शोर शराबा ही है, इसका कोई मकसद नहीं है। सो ये डिनायल मोड में चला गया। और लेडी मैकबेथ जो है वो अपने हाथों को देखती है और उसके ऊपर उसको नजर आता है कि खून के धब्बे पड़े हुए हैं, जो हाथ रंगीन हो गए थे डंकन के खून से। एंड शी कीप्स ऑन सेइंग आउट आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, तो वो खुदकशी कर लेती है। तो कई दफा गिल्ट फीलिंग्स जो है वो जब ज्यादा स्ट्रांग हो तो उनका नतीजा जो है वो खुदकशी में या टोटल नेगेटिविटी में चला जाता है। तो खुदा का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम खुदा की रहमत से मायूस ना हों, और अगर सीधे रास्ते पे चलते रहें और बुराइयों से बचते रहें तो फिर गिल्ट फीलिंग्स हमें तंग नहीं करेंगी। तो ये मिर्जा गालिब का शेर बड़ा खूबसूरत है, हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं, कि बस एक लिमिट है, अल्लाह ताला जो सजा देनी है देख के खत्म कर इस मामले को। गुनाहगार हूँ मैं मानता हूँ, मगर काफिर नहीं हूँ मैं। The man is made by his belief, as he believes, so he is. ये भगवत गीता की कोट है। और ये जो मैंने अभी पहले आपको दी थी कोटेशन प्रोफेसर साहब की, वो मेरी किताब में छपी हुई है पेज 67 पे, और किताब का टाइटल है अवेयरनेस। पहली जो इस सीरीज में किताब है वो पॉजिटिव थिंकिंग है, दूसरी अवेयरनेस है, फिर जॉय ऑफ बीइंग है, फिर हायर अवेयरनेस है। तो ये चार बुक्स हैं एक सीरीज में। Thank you very much. End pe I will conclude. Be an encourager. The world has plenty of critics already. Logon ka confidence shatter na karein. Unka confidence build up karein. Thank you very much.